गणपति बप्पा मोरिया सबके फेवरेट गुरु दादा भी आ रहे हैं और उसकी फेवरेट डिश होती है मोदक। तो आज कुछ मोदक बना लेते हैं और इसको थोड़ी देर साइड पे बिठा देते हैं। तो आज हम बनाने वाले हैं स्ट्रॉबेरी मोदक। तो उसके लिए सबसे पहले मैं आपको उसके इंग्रेडिएंट दिखा देती हूँ। यहाँ पे मैंने लिया है 1/2 कप रवा, चीनी ली है, मावा लिया है, घी लिया है, मिल्क मेल्ट, थोड़ा सा फूड कलर, ड्राई कोकोनट पाउडर, थोड़ी सी और चीनी। और मैं स्ट्रॉबेरी फ्लेवर बना रही हूँ तो मेरे पास है फ्रोजन स्ट्रॉबेरी। आप चाहो तो इसमें मैंगो भी ले सकते हो, कीवी भी ले सकते हो। मैं अभी स्ट्रॉबेरी से बना रही हूँ। तो सबसे पहले मैं फ्रोजन स्ट्रॉबेरी को क्रश करके इसका प्योरी बना लेती हूँ। यहाँ पे मैंने गैस के ऊपर एक नॉन स्टिक पैन रख दिया है जिसके अंदर मैं स्ट्रॉबेरी का प्योरी डाल देती हूँ। अभी हम मोदक के लिए स्टफिंग रेडी कर रहे हैं, स्ट्रॉबेरी स्टफिंग। स्ट्रॉबेरी के साथ में 2 चम्मच जितनी चीनी भी डाल रही हूँ और इसको एकदम गाढ़ा होने तक पका लेना है। अब ऐसे ही मैंगो भी यूज कर सकते हैं, मैंगो प्यूरी विद शुगर। और जब तक ये गाढ़ा हो रहा है तब तक हम इसको स्टर करेंगे और उसके बाद में आपको दिखाती हूँ। आप देख सकते हैं 2 से 3 मिनट मैंने इसको कुक किया होगा और स्ट्रॉबेरी का पूरा जो मॉइस्चर था वो ड्राई हो गया है और एक थिक पेस्ट रेडी हो गया है। तो मैं गैस की फ्लेम को बंद कर देती हूँ और इसके अंदर हम कोपरे का ये चूरा डालेंगे, ड्राई कोकोनट पाउडर, और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमने जितना स्ट्रॉबेरी का पल्प लिया था उतना ही मैंने कोपरा यूज किया है, दोनों को अच्छे से मिला लिया है। अगर आपको लगता है रिक्वायरमेंट है तो आप थोड़ा सा फूड कलर डाल सकते हैं, बट मैं अभी फूड कलर यूज नहीं करने वाली बिकॉज इतना अच्छा कलर आ गया है। तो हमारा स्टफिंग रेडी है, इसको मैं ठंडा कर लेती हूँ। अब हम मोदक के लिए आउटर लेयर रेडी कर लेते हैं जिसके लिए मैंने यहाँ पे नॉन स्टिक पैन ले लिया है जिसके अंदर मैं घी डाल रही हूँ। और ये सूजी यानी कि रवा डाल रही हूँ और इसको हमें थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन होने तक भून लेना है। गैस की फ्लेम को स्लो टू मीडियम रखना है, ज्यादा फास्ट फ्लेम पे इसको नहीं भूनना है वरना ये जल सकता है। देख सकते हैं रवा अच्छे से फूल गया है और सिक भी गया है। तो इसके अंदर हम बाकी की चीजें ऐड कर देते हैं। यहाँ पे मैंने लिया है चीनी, 1 कप जितना मिल्क, मिल्क मेड लिया है, थोड़ा सा खोया लिया है। इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं जब तक ये थिक ना हो जाए। अब इसको 2 से 3 मिनट तक ऐसे ही पका लेते हैं ताकि हमारा जो आउटर लेयर है मोदक का वो अच्छे से थिक हो जाए। अब देख सकते हैं मिक्सचर अच्छे से गाढ़ा हो गया है और इसने पैन छोड़ना भी शुरू कर दिया है। इसको थोड़ी देर और मिक्स कर लेते हैं तो हमारा जो मोदक का जो आउटर लेयर है वो रेडी हो गया है। गैस की फ्लेम को बंद करके इसको पूरा ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। हमारा मोदक के लिए जो स्टफिंग था वो ठंडा हो गया है और आउटर लेयर की जो खोया और सूजी का आउटर लेयर था वो भी ठंडा हो गया है। तो सबसे पहले हम जो स्टफिंग है उसके छोटे छोटे बॉल्स बना लेंगे। ऐसे हम सारे बॉल्स बना लेंगे। मोदक बनाने के लिए मोदक मोल्ड, ये प्लास्टिक में भी अवेलेबल होता है, स्टील में भी आता है और ये एल्युमिनियम का है। तो सबसे पहले इसके अंदर मैं थोड़ा सा घी लगा देती हूँ ताकि हमारे जो मोदक है वो चिपके ना।
फिर इसको पैक कर लेंगे। इसके अंदर मैं थोड़ा सा ये सूजी वाला मिक्सचर डाल रही हूँ। इसको ऐसे उंगली से पूरे में फैला लेते हैं। बीच में मैंने स्टफिंग बनने के लिए गैप रख दिया है। इसके अंदर हम डाल देंगे हमारा जो स्टफिंग और उसके ऊपर थोड़ा सा और सूजी वाला मिक्सचर डाल देंगे। इसको अच्छे से प्रेस कर देंगे और इसको आराम से खोल देंगे। तो रेडी है हमारा स्ट्रॉबेरी मोदक। ऐसे ही मैं सारे मोदक बना लेती हूँ।